नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयपुर से कविता मुखर। होता जाता है मगर चादर से अधिक और हम भारतीय 0.7 यानी कि हमने बचा लिया। आपने सूचकांक देखा होगा कि एक साल में पृथ्वी जितना उगाती है उतना हम लास्ट 2019 में 29 जुलाई तक ही खा चुके थे, खत्म कर चुके थे। यानी कि हम थोड़ा सा कम खाएं, हम थोड़ा सा कम खर्च करें तो हम साल भर धरती जितना उगाती है, जितना पुनर्भरण करती है उतना हम आराम से चला सकते हैं। शायद इसीलिए 1972 में शुरू किया गया था पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को। हालांकि 1972 में शुरू किया गया था लेकिन मनाना शुरू हुआ 1974 में। एनीवेज, मुझे पता है कि पर्यावरण दिवस का मकसद यह होता है कि सामाजिक जागृति पैदा की जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं को चादर के भीतर कैसे रखें। तो सामाजिक जागृति कराने का सबसे इजी मोडेम है कि हम उसके बारे में अपने अनुभव व्यक्त करें, और अनुभव व्यक्त कौन करता है? कलमकार। और हम आज लेके आए हैं अराउंड 19 पीपल, 19 कवि साहित्यकार हमारे बीच में हैं, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। दरअसल टीम सिटी लाइव है ना, उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें कुछ लोगों ने अपनी कहानी भेजी, कविताएं भेजी, उन लोगों का चुनाव हुआ। लेकिन उसके अलावा भी हमारे बीच में कुछ साहित्यकार हैं जो कि हमें मार्गदर्शित करेंगे, गाइड करेंगे और अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराएंगे। तो आइए सुनिए, चलते हैं हम अपने जो कलामकार हमारे बीच बैठे हैं, मैं उनसे आपको एक एक करके मिलवाती हूँ। श्री अनुजी सोगानी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और तोशार सोगानी डिजाइनिंग की आप डायरेक्टर हैं। देखते हैं आप हमारे बीच कौन सी रचना लेके आई हैं। स्वागत है अनुजी। नमस्ते भारत, धन्यवाद टीम सिटी लाइव। मेरी इस कविता रचना का नाम है इंसानी कहर। कुछ सृष्टि ने थे जो बनाए, फिर कुछ हमने भी थे रचाए, अब हम तोड़ रहे वो नियम कायदे। सदियों से ये कुदरत सह रही है, रो रही है, अब वो सहमी चीख रही है। हमने तुमने नहीं है माना, जब जब मर्यादा को लांघा, इसने कितने यतन किए हम समझे ये जतन किए। कहीं पे विपदा कहीं आपदा, धरती माँ ने समझाया। गंगा जो अविरल बहती है उसने फैलाया वो तांडव, बना शिवालय कब्रिस्तान, अचल अडिग उन्नत हिमालय। जब थोड़ा भी हिल जाए हर कदम पर हो शमशान, सागर से उठती ये लहरें शहरों में जब भी घुस जाएं, कैसा ये कोहराम मचाएं। कभी प्लेग और कभी हुआ फ्लू, आज लगा कोविड का कर्फ्यू। कभी प्लेग और कभी हुआ फ्लू, आज लगा कोविड का कर्फ्यू। अब अपनी है बारी, हम समझे जिम्मेदारी। थोड़ा ठहरे थोड़ा सोचे, सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, करें भविष्य सुरक्षित सबका, धरती को खुशहाल बनाएं। संभल संभल कर अब फिर संग आए, संभल संभल कर फिर संग आए, और ये जंग हम जीत दिखाएं, और ये जंग हम जीत दिखाएं। धन्यवाद। वाह अनुसोगानी जी, आपने आगा ही नहीं किया, हमें प्रेरणा भी दी कि ये जो तबाही है जो विभिन्न तरीकों से हमारे बीच आ गई है और हमारी ही की गई है, उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। हमारे बीच शहर के नामी ग्रामी डॉक्टर बजरंग सोनी जी हैं, जो कि कवि हैं, लेखक हैं और राष्ट्रीय स्तर के प्रेरक वक्ता भी हैं।
आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और बेटी मान सम्मान व सामाजिक सरोकार के सरोकारों से शिद्दत से जुड़े हुए हैं। मुझे ध्यान है मैं आपके अस्पताल में एक बार आई थी, जब आपके यहाँ एक अस्पताल में जब भी एक बच्ची जन्म लेती है, बिटिया जन्म लेती है, तो आप उसका उत्सव मनाते हैं और आप किसी साहित्यकार को बुलवा के उस दिन उसका केक कटाते हैं और आप इस चीज के लिए जाने जाते हैं शहर में। आप बेटियों को बहुत मान देते हैं और आपके जो बेटियों को मान देती कविताएं हैं वो भी बहुत अभिभूत करती हैं। पर फिलहाल हम पर्यावरण पे आपसे कुछ सुनना चाहेंगे डॉक्टर जी, डॉक्टर बजरंग सोनी जी। डॉक्टर बजरंग सोनी जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आपको बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए बोलना क्या मन करता है, लेकिन आज विषय दूसरा है। अब तो जागे वृक्ष लगाए बुलबुल रूठी उसे मनाए। अब तो जागे वृक्ष लगाए बुलबुल रूठी उसे मनाए, तितली के संग खेले होली मन आंगन में मोर नचाए। तितली के संग खेले होली मन आंगन में मोर नचाए, बहुत कठिन थे रस्ते सारे साथ चले तब चांद सितारे। बहुत कठिन थे रस्ते सारे साथ तले चले तब चांद सितारे, कहा पेड़ ने रुक जा राही नदियां बोली जल पी जा रे। कहा पेड़ ने रुक जा राही नदियां बोली जल पी जा रे, थोड़ा सा तो कर्ज चुकाए मन आंगन में मोर मचाए। तन मन है पीड़ा की गागर, तन मन है पीड़ा की गागर, सूख गया नीला रत्नाकर जिसका वमन किया है हमने। तन मन है पीड़ा की गागर, सूख गया नीला रत्नाकर जिसका वमन किया है हमने, काली धरती काला अमर अमल तास के फूल खिलाए मन आंगन में मोर नचाए। खुशबू का व्यापार बहुत है आज हवा में धार बहुत है, चक्रवात चल रहा है। खुशबू का व्यापार बहुत है आज हवा में धार बहुत है, धूप खेलती छुपम छुपाई सृष्टि का उपकार बहुत है। धूप खेलती छुपम छुपाई सृष्टि का उपकार बहुत है, आओ हम निर्मल हो जाएं मन आंगन में मोर नचाएं। सृष्टि ने निजता को खोया ओ सारे में मानव रोया, अपने घरों में कैद हम रो रहे हैं इस समय। कि सृष्टि ने निजता को खोया ओ सारे में मानव रोया, सुने पनघट प्यासा पंछी वही मिला जो हमने बोया पारिजात का बीज लगाए मन आंगन में मोर नचाए। जय हिंद जय हिंद। आपकी कविताएं सुनकर लगता है कि आभासी संसार नहीं होना चाहिए था, हम अगर सामने होते तो हम सब जने आपके साथ गुनगुनाते गाते मिलाते स्वर मिलाते, और मैं देख रही थी कि सब कोई हाथ उठाकर ताली बजा रहे थे, ये ताली आप सुन पाते, मजबूरी है कि हम अपने माइक भी ऑफ कर रखे हैं। शुक्रिया, नूर तो पक रहे हैं बहुत है। ये तो मानव की तकनीकी सफलता ही है कि कम से कम हम घर के अंदर कैद होने के बावजूद भी आज सबसे मिल पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बस हमारे हर कदम ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव ही हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं, और हम कंस्ट्रक्टिव वे में बैठे हुए डिस्ट्रक्टिव हुए कदमों को देखने जा रहे हैं, उसको समझने जा रहे हैं कि हमने कहाँ गलत कदम उठाए। आपकी कविता बहुत प्रेरक है। हमारे बीच अगला जो नाम है आगरा से है, वे युवा कवि हैं हरिंद्र कुमार त्यागी जी। आप देश के हालातों पर, मजलूमों पर, किसानों पर उनके दर्द लिखते हैं और आपकी कलम बड़ी संवेदनशील और देशभक्त है, बहुत जोशीली कविताएं भी आप लिखते हैं। एक बार आपका जयपुर पधारना हुआ था तो हम आपसे मिले थे, आपकी कविताएं सुने थे। आपके लिए दो पंक्तियां यहाँ पे आप ही की पंक्तियां हैं सर, कि पत्नी के माथे पर धुंधला सिंदूर हूँ, पत्नी के माथे पर धुंधला सिंदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। हरेन त्यागी जी आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद टीम सिटी लाइव ये अवसर देने के लिए। मैं कविता पढ़ता हूँ, माँ धरती की पीड़ा को शब्दों में बताता हूँ, सुनिएगा। मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, अपने बच्चों से ही आज डरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ। प्रदूषित करके मुझे जी रहे, पीना था अमृत जहर पी रहे, प्रदूषित करके मुझे जी रहे, पीना था अमृत जहर पी रहे, ध्यान सबका फिर भी रखती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं,
मात धरती हूँ। मेरी गोदी ने तुझको दुलारा है रे, मेरी गोदी ने तुझको दुलारा है रे, मेरी आशा पे खंजर मारा है रे, जहर वायु में तूने बहुत ही मिलाया, मानव को मानव ने ही सताया, बढ़ता ही तेरा रोज धंधा हुआ, बढ़ता ही तेरा रोज धंधा हुआ, जो पहले था स्वच्छ अब गंदा हुआ, जो पहले था स्वच्छ अब गंदा हुआ, चुपके से बस अब सिसकती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, अपने बच्चों से ही आज डरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं। विरासत तूने संभाली कहाँ है, विरासत तूने संभाली कहाँ है, जर्जर हालात में ये जहाँ है, नहीं है किसी को इस हालत की चिंता, सभी को है बस अपनी तिजारत की चिंता, सभी को है बस अपनी तिजारत की चिंता, CO2SO2 तुमने मिलाए, CO2SO2 तुमने मिलाए, जहरीले घूंट भी तुमने पिलाए, तेरी अग्नि में मानव दहकती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, अपने बच्चों से ही आज डरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ। धरा को नरक बनाया है, धरा को नरक बनाया है, मत पूछना कि नरक कैसा, धरा को नरक बनाया है, मत पूछना कि नरक कैसा, जब पेड़ तूने लगाए नहीं तो काटने का हक कैसा, जब पेड़ तूने लगाए नहीं तो काटने का हक कैसा, अपने विकास में मानव तूने प्रकृति का अपमान किया, अपने विकास में मानव तूने प्रकृति का अपमान किया, कल क्या होगा इससे बेखबर, पर्यावरण का नुकसान किया, कल क्या होगा इससे बेखबर, पर्यावरण का नुकसान किया, शोर करके मुझे सताने वाले, शोर करके मुझे सताने वाले, दुखों को मौन सहती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, अपने बच्चों से ही आज डरती हूँ मैं, अपने बच्चों से ही आज डरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं, मात धरती हूँ मैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी मार्मिक कविता सुनाई। ये पंक्तियां हमेशा हमें परेशान करती रहेगी कि अपने ही बच्चों से डरती हूँ मैं, माँ धरती हूँ मैं। हमारे जो कदम है, हमारे जो व्यवहार है, वो कितने विरोधाभासी होते हैं। हम माँ भी कहते हैं और उसे परेशान भी करते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो घर की माँ हो, चाहे वो देवी माँ हो, या फिर आज धरती माँ ही क्यों ना हो। तो हमें अपने ही कदमों में ये विरोधाभासी जो बातें हैं, इन पर निगाह डालनी होगी, उसको करेक्ट करना होगा, सुधारना होगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे भारत के सीमा के बाहर, दूर, बहुत दूर, सिएटल में बैठी कविता माथुर, जो हमारे बीच से ही हैं और हमारे बीच से ही हैं। वे बहुत सी कविताएं लिखती हैं, संवेदनशील कविताएं, और बहुत गंभीर घाव करती कविताएं लिखती हैं वो, मैंने सुना है उन्हें। और वे कुछ सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं और वो बहुत अच्छा गाती हैं, उनका स्वर बहुत अच्छा है। और आप नाटक में भी पारंगत हैं और यहाँ पे रविंद्र मंच में भी आपने बहुत सारे नाटक किए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ कविता माथुर जी को, आज वो हमारे बीच पर्यावरण पर क्या लिखने, क्या सुनाने जा रही हैं। और आपका माइक अनम्यूट कीजिए। राइट, आपका स्वागत है कविता माथुर। थैंक यू। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी। ओके, तो आप सबको नमस्कार और धन्यवाद भी कि मुझे आपने आमंत्रित किया, याद किया, मैं इतनी दूर हूं आपसे। चूंकि मेरी कविता थोड़ी सी लंबी है तो मैं आप और उसका, उस कविता का जो प्रेरणा है उसके बारे में मुझे आपको बताना होगा। एक ऑथर हुए थे पर्यावरण पे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, अ सैंड काउंटी एल्मनैक, 1949 में, मतलब इतने सालों पहले, 1949 में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था लैंड एथिक। उस लैंड एथिक से प्रेरित होकर मैंने ये कविता लिखी है। ऑल्दो लियोपोल्ड उनका नाम था, उन्होंने ये लैंड एथिक जिसका जिसके कोर में जो विचार था, मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि सिंपली केयरिंग अबाउट पीपल, लैंड एंड रिलेशनशिप बिटवीन, स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड लैंड, हम हमारी धरती माँ और इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथन करना एक रिश्ते को, ये उसके कोर में भाव था।
उनका कहना था कि जब हम किसी चीज की परवाह करते हैं तो हमारे एक्शन से वो प्रेरित होते हैं और वही हमें वापस भी मिलता है। अगर हम इस लैंड को, जिस धरती पर हम रहते हैं उस लैंड को एक समुदाय के रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में माने तो हम धरती को प्यार से, सम्मान से देखना शुरू कर देंगे। और कम्युनिटी की जब बात आती है तो मुझे फौरन वसुधैव कुटुंबकम का अपना जो खुद का दिया हुआ एक मंत्र है वो मुझे याद आता है, उससे मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। कम्युनिटी, कम्युनिटी में सिर्फ मानव ही नहीं उन्होंने माना है, उन्होंने माना है कम्युनिटी में ये सारी चीजें, हमारी सॉयल, हमारे वाटर्स, हमारे जानवर, हमारी वनस्पति, ये सब शामिल है। तो इन सब से प्रेरित होकर मैंने ये लिखी थी, स्वागत है, सुनाइए। रचना का शीर्षक लैंड एथिक और इसकी शुरुआत, आहा मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूँ, मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूँ जब पाती हूँ खुद को एक थिंकिंग कम्युनिटी की मेंबरान में से एक। मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूँ जब पाती हूँ खुद को एक थिंकिंग कम्युनिटी की मेंबरान में से एक। थिंकिंग कम्युनिटी जिसे परवाह है धरा पर बिखरे चलते फिरते किस्म किस्म के रंगों, कत्काठियों, मिजाजों के पराजीवियों की, जिन्हें हम पशु कहते हैं। पशु जंगली भी और एरिस्टोटल की माने तो सामाजिक भी, यानी कि हम पराजीवी जो पोषित करते हैं अपनी देह को पृथ्वी के स्पंदन से, अपने जीव को उसकी श्वासों से और अपनी रूह को पृथ्वी की मेधा से। मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूं जब मुझे अपने से लगते हैं ये जमीन पर फैले घने जंगल और इनके सीने पे विचरते, दहाड़ते, गुर्राते, चीतकार करते, चिंघाड़ते, डराते, फुफकारते, सहमते, दौड़ते, चौपाए और अन्य जीव, और इन वनों के माथे पर जटा दर जटा बंदरों की तरह कूदते फांदते ये तरह तरह के बंदर, और उनमें आशियाने सजाए भोर को भैरवी से और सांझ दरबारों को दरबारी से गुंजायमान करती, अपनी रंग बिरंगी पाखों को फैलाए यहां वहां इधर उधर, नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर फुदकती चिड़ियां। लाजवाब, इतनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूं जब मैं खुद को देखती हूँ शुक्राना अदा करते उस खारे कहलाने वाले समुंदर का। अभी मैं जहां बैठी हूँ मेरे सामने समुंदर है। मैं खुद को देखती हूँ शुक्राना अदा करते उस खारे कहलाने वाले समंदर का जो आफ्ताब के एक इशारे पर झुककर आसमान को लगातार देता रहता है अपने जिस्म से निकाल कर खून के कतरे कि बन के अब्र वो बरसते रहे जमीन पर बुझाने हमारी कभी न बुझने वाली तृष्णगी, हमारी प्यास। मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूं जब मां धरती के सुंदर मुखड़े की उपटन उर्वरा की नमी से खींचकर पहुंचती है मेरे दिल को ठंडक, रूह को सुकून और आत्मा को तृप्ति कि मेरे 7.8 अरब विस्तृत परिवार के लिए पॉपुलेशन, मेरे 7.8 अरब, ये जून की लेटेस्ट सर्वे का है, मेरे 7.8 अरब विस्तृत परिवार के लिए लहलाएंगी फसलें, छूटेंगी खुशियों की फुलझड़ियां कबीलों में। मैं कितनी ऑल्दो लियोपोल्ड हो जाती हूँ कि जब मैं महकने लगती हूँ बचपन की यादों से कि जब मैंने माँ से पढ़ा था वसुधैव कुटुंबकम का पाठ और लगने लगे थे ये मुझे अपने से, वो बाहर से गुजरते भेड़ों बकरियों के झुंड, वो नाग पंचमी के नाग, वो सब्जी मंडी के ऊंट, वो बैलगाड़ियों के बैल, वो बग्घी के घोड़े, परकोटे के लंगूर, हमारे जयपुर के परकोटे के लंगूर, आमेर के हाथी, वो नीम, मोहर, आम, जामुन, शहतूत के पेड़, वो गेंदे, गुलाब, तुलसी, विद्या के पौधे और वो थिरकता मयूरा, वो चहक तिरैया। जब मैं जब मैं जान लेती हूँ कि कैसे जिया जाता है और ये मैंने सीख लिया है लैंड एथिक। बहुत बहुत आपकी कविता सुनते हुए जो कि भावनाओं से लबरेज ही नहीं थी बल्कि मैं उसकी शैली और उसके जो वातावरण है
उसके अंदर भी घूम गई कि ऐसी भी लिखा जा सकता है जो कविताएं सीमाएं लांग रही है। सीमाएं किसकी लांग रही है कि भाषा की सीमा। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही शब्द थे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेमचंद और सुभद्रा कुमारी चौहान से प्रेरित नहीं होते, हम किसी भी राइटर से प्रेरित हो जाते, किताब के भावनाओं के अंदर बहकर हम कुछ रच जाते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुत किया आपने कविता और मुझे बहुत डिफरेंट स्तर पर सोचने पर मजबूर किया है, नॉट ओनली अबाउट एटमोस्फेयर एनवायरमेंट बट ऑल्सो अबाउट द स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री। थैंक यू सो मच कविता माथुर। लेट्स प्रोसीड, हम आगे चलते हैं। और हम आपको बता दें हमारे बीच में कोलकाता से किरण दत्ता जी हैं। आप ऑकल्ट साइंस रेकी को प्रोफेशनली अपनाती हैं और प्रोफेशनली इसको कैरी ऑन कर रही हैं, और आप कितने बरसों से कहानियां लिख रही हैं, मगर उसको सरिता पत्रिका में तो भेजा था, पर आप अपने आप को हाउसवाइफ कहती हैं, हम जैसे साहित्यकार नहीं कहलाती हैं, मगर हम खुश हैं कि आज आप हमारे बीच में हैं। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आज आपने पर्यावरण में जो कहानी भेजी थी उसे सुनाइए। किरण दत्ता जी फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, मैं किरण दत्ता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, एकदम स्पष्ट आ रही है। हाँ, बड़े बड़े साहित्यकारों को मैंने बड़े बड़े ऊंचे विचारों में सुना, तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ साधारण सी कहानी सुनाती हूँ आपको, जो बिल्कुल ही साधारण है पर हो सकता है इसका कुछ महत्व हो। हम बिल्कुल साधारण से फूलों की करना चाहते हैं, आप सुनाइए। हाँ, मेरी छोटी सी कहानी है और कहानी का शीर्षक है दादाजी की सीख बच्चों का संकल्प। दादाजी की सीख बच्चों का संकल्प। गतिक चंचल और बेहद बातूनी 5 वर्ष का नटखट बच्चा है जो प्रतिदिन दादाजी के साथ अपनी कॉलोनी के पार्क में जाया करता। दादाजी अपनी मित्र मंडली के साथ कुछ देर टहलते, फिर हरी मुलायम घास पर पैदल चलते। कॉलोनी के बीच में बड़े बड़े बंगलों से घिरा पार्क सबके आकर्षण का केंद्र था, जो चारों ओर से नीम, अमलतास और गुड़हल के विशाल पेड़ों से घिरा था। मौसम के रंग बिरंगे फूलों से सजा बीच में बड़े बच्चों के लिए फुटबॉल का मैदान और एक छोटा सा तालाब जिसमें कमल के फूल खिलते और सबका मन मोहने वाला शुद्ध वायु और पॉजिटिव एनर्जी देने वाला पार्क था यह, जिसे गतिक आइसक्रीम वाला पार्क कहता था, क्योंकि पार्क के बाद शाम को दादाजी उसे रोज आइसक्रीम खिलाते थे। दादाजी गर्मी में अपने गाँव चले गए और गतिक का भी पार्क जाना लगभग बंद हो गया। और लगभग 2 महीने के बाद जब दादा पोता दोबारा पार्क गए तो देखते क्या है, जीवन पार्क वीराने में परिवर्तित हो चुका था। दादाजी और पोते दोनों ने आइसक्रीम खाई और घर आ गए और दादाजी ने एक छोटा सा प्लान बनाया। सुबह सब बच्चों को इकट्ठा कर पर्यावरण और प्रकृति के विषय में समझाया और बताया कि इसकी रक्षा करना सरकार का ही नहीं हम सबका कर्तव्य और अधिकार भी है। सब छोटे बड़े बच्चों की ड्यूटी लगा दी। सबसे पहले गतिक बोला, दादाजी मैं मालिका काका के साथ पाइप से रोज पानी दूंगा और मैं पापा से कहकर फूलों के नए पौधे लगवाऊंगा और उनकी देखभाल भी करूंगा। उसका दोस्त आरव बोल उठा और गतिक के एक बड़े दोस्त ने कहा, मैं पापा से कहकर नए पेड़ लगवा दूंगा, मेरे पापा हॉर्टिकल्चर में है ना, और उनकी देखभाल भी करूंगा। और मोहित बोला, अरे कोई कचरा डालने का भी तो सोचो, मैं बड़ा गत्ते का डिब्बा घर से ले आऊंगा, सबको उसमें कचरा डालने के लिए कहूंगा और बड़े बच्चों को बड़े लोगों को भी समझाऊंगा कि अपना सामान उसमें डालें। दादाजी प्रसन्न होकर बोले, शाबाश बच्चों, मैं इस कचरे को शाम को कचरे के बड़े डिब्बे में डाल दूंगा और हर काम में तुम सबकी मदद करूंगा। इस प्रकार 1 महीने के बच्चों के अथक प्रयास में प्रकृति ने भी अपना साथ दिया और पार्क पुनः छमाछम बारिश हुई और देखते ही देखते वीरान पार्क पुनः जीवित हो उठा और सुबह शाम आते बच्चों और बुजुर्गों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगी जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक थी। इस प्रकार प्रकृति को अपनाने का एक छोटा सा प्रयास जो दादाजी ने किया था और छोटे बच्चों को प्रकृति के विषय में जो छोटी सी सीख दी थी उसका असर हुआ और उनका छोटा सा प्रयास सफल हो गया। बहुत
मासूम सी ये कहानी बहुत बड़ा सीख देती है कि पर्यावरण हो, धरती हो या मानव सभ्यता हो, वह आखिरकार आने वाली पीढ़ी के हाथों सौंपना है तो उसे हमें अपने ही कर्तव्यों, अपने ही कदमों के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा सीख देनी होगी, मात्र शब्दों में नहीं। मैं अभी कहीं पे एक सेंटेंस पढ़ रही थी, हाँ आज दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के जो उप वाइस प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव, उनका ही कहना था कि किसी भी समस्या को, खासकर पर्यावरण की समस्या के लिए, हमें सिर्फ दो कदम उठाने हैं। एक तो समस्या को समझना और दूसरा जड़ों पे प्रहार करना। किसी भी समस्या को अगर समझा जाए तो हम फिर उसके लिए समाधान ढूंढ पाते हैं। आज जो हम यह काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, या हम जब भी चार लोग बैठ के बातें करते हैं, तो शायद हम किसी न किसी समस्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज पर्यावरण की समस्या लेके हम बैठे हैं, और हमारे बीच जो अगला नाम है जो अपने नजरिए से पर्यावरण को हमारे बीच रखेंगे, वो है डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव। अजमेर से हैं आप, और आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप वरिष्ठ आचार्य भी हैं अजमेर मेडिकल कॉलेज में। आपकी कहानियां कादंबनी में, रीडर डाइजेस्ट में, वनिता में, मेरी सहेली में और मधुरमा में छपती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। तो डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव, आपका स्वागत है। आप आज हमें क्या सुनाने वाली हैं? सबसे पहले आपका माइक अनम्यूट कीजिए। यस, आपका स्वागत है। वनिता मुखर, सिटी लाइव और श्रोता गणों को मेरा सबसे नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर महिमा श्रीवास्तव एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है नवल धवल संसार रचे। नवल धवल संसार रचे, आतंक के सायों से निकल, विषाणुओं को करके विफल, नवल धवल संसार रचे। पारदर्शी झीलों में झांके, पारदर्शी झीलों में झांके, सघन विटप आड़े बाके, सघन विटप आड़े बाके, कृत्रिम सुविधाओं से बचें, कृत्रिम सुविधाओं से बचें, नीलाभ आकाश बेहस्ता तके, हरित धरा आए जब सधज के, हरियाली सीमेंट पत्थरों से ना ढकें, हरियाली सीमेंट पत्थरों से ना ढकें, गौरैया चहके गिलहरी फुदके, वन ऑफ वन महुए बौर में के, गौरैया चहके गिलहरी फुदके, वन ऑफ वन महुए बौर में के, कंक्रीट के माया जाल से बचे, कंक्रीट के माया जाल से बचे, धूल धुए रहित प्राची तंदूरी, मल्यानल महकाए सांझ पूरी, पैदल चले ईधन सवारी तजे, पैदल चले ईधन सवारी तजे, पर्वतों से निकले फेनिल निझर, पर्वतों से निकले फेनिल निझर, भर जाए शुद्ध हवा से हर घर, सामग्रियों को पुनः चक्रित करें, सामग्रियों को पुनः चक्रित करें, सघन अरण्यों में मृग भरे कुलाचे, सघन अरण्यों में मृग भरे कुलाचे, ताजे कंदमूल स्वास्थ्य कुंजी बाचे, ताजे कंदमूल स्वास्थ्य कुंजी बाचे, रासायनिक खाद को अलविदा कहें, रासायनिक खाद को अलविदा कहें, सावन में झिरमिर सुधा बूंदे बरसे, सावन में झिरमिर सुधा बूंदे बरसे, बसंत में पुष्पित बाग बगिया हर्षे, नरक बनाया संत में सुगंधित पुष्प बाग बगिया हर्षे, धरती के अंधाधुंध दोहन से बचे, धरती के अंधाधुंध दोहन से बचे, निशाकाल सज जाए नभ मंडल, निशाकाल सज जाए नभ मंडल, शुभ्र ज्योत्सना से दमके नील कवल, शुभ्र ज्योत्सना से दमके नील कवल, पौधे रोपे प्रकृति का श्रृंगार करें, पौधे रोपे प्रकृति का श्रृंगार करें, फिर से करें प्रकृति का मान सम्मान, फिर से करें प्रकृति का मान सम्मान, जीवन को बनाए सादा और आसान, जीवन को बनाए सादा और आसान, मानव है ना करें व्यर्थ अभिमान, मानव है ना करें व्यर्थ अभिमान। धन्यवाद।
महिमा जी, जब आप कविता पढ़ रही थी तो सामने चित्र घूम रहा था, रात का नभमंडल हो चाहे खिलता पुष्प हो, ये सब हमने अभी पिछले 70 दिनों के लॉकडाउन में, 70 दिन का तो नहीं हुआ मगर हम लोग कुछ दिनों पहले से कैद थे घर में, तो उन दिनों मैंने नोटिस किया कि प्रकृति बहुत खिलखिली गई, आसमान बहुत साफ साफ हो गया। और आज नाहरगढ़ से, नाहरगढ़ जयपुर का एक पर्यटक स्थल है, और वहां से 35 किलोमीटर दूर का नायला का फोर्ट दिखाई दे रहा था, और हम सबने जाना है कि जालंधर से हिमालय की पर्वतमालाएं दिख रही थी। तो प्रकृति को ज्यादा समय नहीं चाहिए होता है, हमारे ही छोटे छोटे कदम चाहिए होते हैं। मुझे याद आता है मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी, एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी दाल वापस उठा के डब्बे में डाल देती थी। ये एक एक मुट्ठी, ये एक एक बूंद से ही तो घट भरता है। हम भी अगर एक दिन सप्ताह में गाड़ी नहीं निकालेंगे या छोटा छोटा कदम भी उठाएंगे कि साल भर में हमने इतने कपड़े खरीदे तो थोड़ा सा कम खरीदेंगे, थोड़ा सा हम बचाएंगे, तो धरती का ही हम अपना ही ध्यान रखेंगे। प्रकृति तो तब भी थी जब डायनासोर खत्म हो गए थे, हम खत्म हो जाएंगे, प्रकृति खत्म नहीं होने वाली, प्रकृति तो बनी रहेगी, हमें अपना ही ख्याल रखना, थोड़ा स्वार्थी होना होगा। खैर ये बातें तो बड़ी लंबी चलती हैं। हमारे बीच अगला नाम है कोलकाता से ही मीनाक्षी सांगानेरिया जी, जो कि सांगानेर की बेसिकली हैं, इसलिए उन्होंने नाम सांगानेरिया लगाया हुआ है। आप एक पत्रकार हैं और कविताएं लिखती हैं, सदीनामा पत्रिका की आप उपसंपादक भी हैं। मध्य प्रदेश साहित्य उत्सव जब हुआ था तो उसका आपने कवरेज, अच्छा खासा कवरेज किया था। मैं आपको पूछ करती हूँ मीनाक्षी सांगानेरिया जी को, आज आप हमारे समक्ष क्या रखने वाली हैं, कौन सी कविता सुनाने वाली हैं? मीनाक्षी जी उनका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे। कविता जी जी हाँ नमस्कार, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? सॉरी हाँ नमस्कार सर। कविता जी मैं वृक्ष के ऊपर कविता सुना रही हूँ, पर्यावरण पे। स्वागत है। और आपकी जो ग्रीन लाइन है उनको भी साधुवाद है जो मुझे उन्होंने आमंत्रित किया जी। वृक्ष तुमसे जीवन है, तुमसे ही मरण है, तुमसे ही जीवन है, तुमसे ही मरण है। जहाँ तुम रहते हो वहाँ अनुपम छटा बिखेरते हो, जहाँ तुम रहते हो वहाँ अनुपम छटा बिखेरते हो। प्राण वायु हो तुम्हारे फल हमारे जीवन के उत्सर्ग है, तुम प्राण वायु हो तुम्हारे फल हमारे जीवन के उत्सर्ग है। तुम्हारी टहनियाँ कितने को उजाला देती है, तुम्हारी टहनियाँ कितने को उजाला देती है। कभी आग में तपते हो कभी तूफान के तफेड़े सहते हो, कभी आग में तपते हो कभी तूफान के तफेड़े सहते हो, कभी बारिश के पानी को महसूसते हो, कभी बारिश के पानी को महसूसते हो। हे वृक्ष बिछाना बनते हो, हे वृक्ष कभी बिछोना बनते हो, पथिक की थकान मिटाते हो। हे वृक्ष कभी बिछोना बनते हो, पथिक की थकान मिटाते हो, भूखे को तृप्त करते हो। हे वृक्ष तुम वृक्ष नहीं पर्यावरण, पर्यावरण के शुभ सूचक हो। हे वृक्ष तुम वृक्ष नहीं पर्यावरण के शुभ सूचक हो, जहाँ वायु शुद्ध है जहाँ तुम नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ वायु शुद्ध है जहाँ तुम नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। बहुत खूब। जिस प्रकार समाज का सबसे छोटा यूनिट होता है परिवार, और परिवार का सबसे छोटा यूनिट होता है हम व्यक्ति, वैसे ही एक वृक्ष पर्यावरण का सबसे पहला एक सबसे इकाई है, और उसी को आपने संबोधित किया है। बहुत सुंदर कविता। पर हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट की जो समस्याएं हैं उसमें हुआ ये कि मीनाक्षी सांगानेरिया जी जब अपनी रचना पढ़ रही थी तो वीडियो नहीं हुआ। खैर ये सब बर्दाश्त करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है। और हम चलते हैं अगले नाम पर। हमारे बीच है नुपुर जैन। इसीलिए आपकी आपकी गाना छवि नहीं आ रही है मेरे को लग रहा है। हाँ ठीक है, अब आप अपना कृपया करके माइक म्यूट करेंगे क्योंकि हमारे बीच अगली ना अगली कवित्री आ रही है। नुपुर जैन है, आप दिल्ली से हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप फॉर्मर कंसल्टेंट रही हैं, फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर रही हैं जैन विश्वास भारती यूनिवर्सिटी लाडनू में, और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है। नुपुर जी आप हमारे बीच हैं, माइक ओपन कीजिए और क्या सुना रही हैं आज आप? बिल्कुल, माँ गायत्री के ऊपर ही मेरी कविता है। बिकॉज अगर हम देखें तो आज हमने माँ गायत्री को पूजने के बजाय उसको ध्वस्त कर दिया है, तो
का दर्द मैं थोड़ा सा बयान कर रही हूँ और हमें उनके दर्द को कम करने के लिए क्या करना चाहिए उसको मैं अपनी कविता में रख रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ममतामयी गायत्री। प्रकृति अति सहिष्णु, प्रकृति अति सहिष्णु अंतर्यामी, आनंद का पर्याय जिंदगी का अभिप्राय, माँ रूपेण गायत्री भाव विभोर दृश्यों से परिपूर्ण, संजीवनी जीवनदायिनी, वो संजीवनी भी है वो जीवनदायिनी भी है, संजीवनी जीवनदायिनी फिर क्यों है आज रक्त वाहिनी, फिर क्यों है आज रक्त वाहिनी कोरोना काल, कोरोना काल इतिहास का वो पन्ना तबाही का वो मंजर, कर्म काल गायत्री निशब्द, कर्म काल गायत्री निशब्द नेत्र अश्रुधारा से लिप्त, नेत्र अश्रुधारा से लिप्त चीर्ण छीर्ण हर अंग, शत विक्षत प्रकृति का मन, अंतर मन का ये द्वंद बेबसी का आलम, अंतर मन का ये द्वंद बेबसी का आलम, माँ गायत्री बहुत विवश है, हीरे मोती जवाहरात जो थे प्रकृति के पास, हीरे मोती जवाहरात जो थे प्रकृति के पास, भेंट चढ़े राक्षस रूपी मानव के हाथ, भेंट चढ़े राक्षस रूपी मानव के हाथ, रिक्त हाथ मूर्छित लक्ष्मण कैसे जिएगा अब, रिक्त हाथ मूर्छित लक्ष्मण कैसे जिएगा अब, जड़ी बूटियों का वो संसार खत्म हुआ विज्ञान के हाथ, जड़ी बूटियों का वो संसार खत्म हुआ विज्ञान के हाथ, वैश्वीकरण की इस दुनिया में, वैश्वीकरण की इस दुनिया में प्रकृति मूर्छित हो गई, बंगाल रोया महाराष्ट्र रोया, आप सभी ने देखा भी, बंगाल रोया महाराष्ट्र रोया, विश्व के हर कोने में अपने अपने इंसान को खोया, विश्व के हर कोने ने अपने अपने इंसान को खोया, निसर्ग और अम्फान ने, निसर्ग और अम्फान ने तो कभी कोरोना ने इंसान को धोया, तो कभी कोरोना ने इंसान को धोया। आज ही एक खबर पड़ी, आज ही एक खबर पड़ी, बेजान हतीनी के मुंह में बम फोड़ा, हतीनी के साथ उसके बच्चे को भी ना छोड़ा, हतीनी के साथ उसके बच्चे को भी ना छोड़ा, घातक सहातक क्षण क्षण विनाशकारी, अब ठहर जा हे मानव, अब ठहर जा हे मानव, नियमों को बांध ले प्रकृति का साथ दे, विध्वंसकारी प्रलयकारी, माटी के पुतले को माटी में जगह नहीं, माटी के पुतले को आज माटी में जगह नहीं, चिता में राख नहीं हवा में जान नहीं, गंगा ने भी मुंह मोड़ा, गंगा ने भी मुंह मोड़ा, अस्थि कलश से नाता तोड़ा, आज सारे अस्थि कलश गंगा में विहीन होने की वजह शमशान घाट पर पड़े हैं, उसी के ऊपर मेरी ये लाइन थी, गंगा ने भी मुंह मोड़ा, अस्थि कलश ने नाता, अस्थि कलश से नाता तोड़ा, कैलाश पर अब शिव नहीं वृंदावन, कैलाश पर अब शिव नहीं वृंदावन में कृष्ण नहीं, सूरज में रोष है हवा में जोश है, सूरज में रोष है हवा में जोश है, मान जा हे मानव, मान जा हे मानव, माँ का हृदय निर्मल है, माँ का हृदय निर्मल है पर मन में घात है, पर मन में घात है पर ममता में जान है, मन में घात है पर ममता में जान है, लगा दे मरहम अपनी चेतना से, लगा दे मरहम अपनी चेतना से, रोक दे प्रलय को, रोक दे प्रलय को, जो खोया सहेगी, जो खोया सहलेगी हो जा वचनबद्ध, साथ दे विलासिता को त्याग दे, मंजर सुहाना है प्रकृति को फिर से हंसाना है, विजय पताका को फहराना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है और हमें जीतना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है, सही कह रही हैं आप। आज ही बहुत खूबसूरत कविता पढ़ी है आपने, बजरंग सोनी जी ताली बजा रहे हैं सीधे हमारी चेतना को हिलाती हुई, क्योंकि आज ही मैंने पढ़ा था कि जिस देश ने सबसे ज्यादा विकास किया है उस देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण है और वही सबसे ज्यादा कोरोना से महामारी प्रकोप से ग्रसित है। इटली में, चीन में और अमेरिका में सबसे ज्यादा हुए ही इसलिए क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषण है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है कि हम जितना प्रकृति को, जितना धरती को दोहन करेंगे हम उतना ही परेशान होंगे। केरल के जो हाथी की आपने बात कही वो हम सबके मन का दर्द है। हम सब कल कविता माथुर जी से मैं यही डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि जितना इन प्राणियों को हमने दुख दिया है आज हम उसी दुख से, वो चक्र है ना घूम के तो आई गई। खैर अगली रचना हमारे बीच में आ रही है निरुपमा चतुर्वेदी की तरफ से। निरुपमा चतुर्वेदी गजल गो हैं और मुक्तक छंद गीत कविताएं लिखती हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कई मंचों से सम्मानित हैं।
और हमारे बीच में है। यस निरुपमा जी, आप आमंत्रित हैं, मंच पर आइए और अपनी रचना पढ़िए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। सबसे पहले मैं टीम लाइव को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जो पढ़ रहा है उसकी छवि नहीं आ रही है कविता जी। नहीं हमें आ नहीं रही है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट जो टेलीकास्ट हो रहा है उसमें दिख रहा है। हम कंटिन्यू कर सकते हैं, वहाँ पे यूट्यूब पे हमको मिल भी जाएगा सारा, हमको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब। फाइन। सो निरुपमा जी कंटिन्यू, अदर्स प्लीज म्यूट योर माइक। अच्छा यस। निरुपमा हेलो। हेलो हाँ निरुपमा आवाज आई? हेलो हाँ आ रही है, स्पष्ट आ रही है निरुपमा, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि अभी कविता जी ने बहुत अच्छी बात की, तो देखो थोड़ा सा स्वास्थ्य ये अच्छा है, थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन इतना दूर मत बैठिए। मैं दूर हूँ क्या? अब आवाज आ रही है? आवाज हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि अभी आपने कहा कि लोगों को थोड़ा स्वार्थी हो जाना चाहिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि सच में प्रकृति ने हमें पर्याप्त दिया है, उसने इतना दिया है कि सभी की आवश्यकताओं के लिए वो पूर्ति कर सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षी इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती। कि हमें अपनी इच्छाएं सीमित करनी चाहिए और इन्हीं भावनाओं को मैंने एक गीत में पिरोया है। स्वागत है। उससे पहले मैं एक कुंडलिया छंद के द्वारा आपसे जोड़ने का प्रयत्न करती हूँ। जी पर्यावरण पर लिखी हुई मेरी कुंडलिया सुनिए। जी स्वागत। काटे जंगल खेत सब जीवन हो आसान, काटे जंगल खेत सब जीवन हो आसान, खुद गर्दी के खेल में मनुज बना हैवान, खुद गर्दी के खेल में मनुज बना हैवान, हैवान त्रस्त सारा जग जीवन, पशु पक्षी बेचैन मौत के दर तकरीबन, सूरज उगले आग सड़क पहले सन्नाटे, सूरज उगले आग सड़क पहले सन्नाटे, सांस करे फरियाद खेत जंगल सब काट, सांस करे फरियाद खेत जंगल सब काटे। अब मेरा गीत ऐसा पढ़ रही हूँ। वाह। हम पर्यावरण का सीधे सीधे सरसरी तौर पर जो अर्थ लेते हैं वो सिर्फ हम पेड़ पौधों से जंगलों से इससे लेते हैं जी। जब पर्यावरण का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है, प्रकृति के जो भी अवयव हमें चारों तरफ से घेरे हैं, चाहे वो बरसात हो, मौसम हो या नदियां हो, दिन रात हो, ये सारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हम इन सब के ही प्रति एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो इसी पर मेरा गीत है जी। पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात, पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात, संग है इनके पर्वत पोखर धूप हवा दिन रात, संग है इनके पर्वत पोखर धूप हवा दिन रात, चारों ओर हमारे फैला प्रकृति नटी का घेरा, चारों ओर हमारे फैला प्रकृति नटी का घेरा, उससे है संबंध हमारा जन्म जाति गहरा, और नष्ट किया करता है इंसान खुद गर्जी में जिसको, नष्ट किया करता है इंसान खुद गर्जी में जिसको, सांस तलक लेना मुश्किल जिसके बिन हम सबको, इसमें शामिल चांद सितारे नदियां और बरसात, इसमें शामिल चांद सितारे नदियां और बरसात, पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों, और काट छाट कर जिसको हम बेफिक्र जिया करते हैं, काट छाट कर जिसको हम बेफिक्र जिया करते हैं, जबरन ही उसको हम कितना कष्ट दिया करते हैं, सुंदरता खोकर भी वो हमको कितना समझाए, कभी कभी गुस्सा होकर रौद्र रूप दिखलाए, कुदरत सहती रहती है प्रतिफल कितने आघात, कुदरत सहती रहती है प्रतिफल कितने आघात, पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष वनों की बात।
और वक्त आ गया करनी होगी प्रतिज्ञा सबको, वक्त आ गया करनी होगी कठिन प्रतिज्ञा सबको, सचमुच भारी बहुत पड़ेगी अधिक अवज्ञा हमको, और बंद करें हम आज अभी से चतुराई की चाले, जो हम चतुराई की चाले करते हैं, बंद करें हम आज अभी से चतुराई की चाले, अभी समय बाकी है इसका कुछ हल ढूंढ निकालें, कुदरत के सारे अवयव हैं ईश्वर की सौगात, कुदरत के सारे अवयव हैं ईश्वर की सौगात, और पर्यावरण नहीं है केवल वृक्ष बनों की बात, संग है इनके पर्वत पोखर धूप हवा दिन का। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जब आप चतुराई की बात कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं है फिजाओं में जहर है, ये शहर भी क्या शहर है। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और मैं सोच रही थी कि आप कुछ तरन्नुम में सुनाएंगी पर कविता भी बहुत अच्छी थी। हमारे बीच है पूर्णिमा कॉल, मैम पूर्णिमा कॉल है और आप सिटी लाइव की एक अहम मेंबर है, हमारी टीम सिटी लाइव की एक टीम मेंबर है, और आपकी कविताओं भी जो भी हमने जब भी सुना है हम आपकी कविताओं के कायल हुए हैं। आज आप क्या सुनाने वाली हैं पूर्णिमा कॉल जी? कविता मुखर जी, कैन यू हियर मी? मैं एक कवि तो नहीं हूँ, एक छोटी सी स्क्रिप्ट राइटर हूँ और अपनी स्क्रिप्ट पे कुछ फिल्में बना दी हूँ छोटी छोटी। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन शहर एंड जंगल। तो माइंड इज अ कन्वर्सेशन जंगल वर्सेस शहर। ओके, वेलकम। शहर भिड़ गया जंगल से एक दिन यूं बिन बात, शहर भिड़ गया जंगल से एक दिन यूं बिन बात, कहने लगा हर तरफ है छाए कहां पसारू हाथ। जैसा हम देख रहे हैं कि हर तरफ पेड़ कट के कंक्रीट का जंगल बन रहा है, और तो कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए एक बार शहर ढूंढने गया जंगल में, तो उससे बिना बात भिड़ गया और बोला हर तरफ वो छाए कहां पसारू हाथ, जैसा विराट है रूप तुम्हारा वैसे तुम्हरे वासी, बिना अकल के बुरी शक्ल के हैं तेरे बनवासी, भरे पड़े हैं पेड़ यहाँ पे गुफा पहाड़ नदी नाले के, जंगली पक्षी पेड़ और पौधे चट्टाने और जाले, ना कोई नियम ना कोई संयम अपराधी हैं खुले घूमते, कैसा जंगल राज तुम्हारा कैसा ये कानून, बड़े पुराने होकर भी कुछ करना पाए खास, ना ही तुमसे कोई आशा ना कोई तुमसे आस। एक मुझको देखो, शहर बोला एक मुझको देखो, हाँ शहर बोला जंगल से एक मुझको देखो, देखो मेरी शान, रेल हवाई जहाज मशीनें ड्रामे मोटर कार, क्या ही आलिश सुंदर होटल बढ़िया खाने, क्या ही आलिशान बाजार, सुविधा के सामान यहाँ पे परमाणु और हथियार। तब जंगल धीमे से बोला उससे यूं मुस्का के, मैं हूं जब तक तेरा नाम बना है, मैं हूं जब तक तेरा नाम बना है, मुझसे ही तुम पर ये नील वितान तना है, मेरे कारण मेघ बरसते मुझ पर जंगली जीव विचरते, बंद भवन में लोग हैं तेरे खुली हवा को भी तरसते, पानी की है कमी वहां पे बादल भी हैं नहीं बरसते। वे जियोगे कैसे सांस वहां है घुटती, दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती ये आबादी है, भोजन पानी जगह नहीं है कैसी ये बर्बादी, अभी समय है अभी समय है अभी भी चेतो, पेड़ों को तुम यूं ना रेतो, जो मैं ना रहा तो तुम्हें मिटने में लगेगी नहीं देर, प्यारे शहर तब होगा बहुत अंधेर, पेड़ों से ही जंगल होगा, पेड़ों से ही जंगल होगा, जंगल से ही मंगल होगा। बस मेरा कन्वर्सेशन यही कहता है कि पेड़ों को ना काटने दे, पेड़ों से ही जंगल होगा और जंगल से ही दुनिया का मंगल होगा। शहर जब भी जंगल के साथ वार्तालाप करेगा जंगल ही जीतने वाला है, क्योंकि जीवन वहीं पे है। मुझे मालूम है और आप सब भी जानते हैं कि जंगल कहीं दूर नहीं है, पता है जंगल हम सबके बीच में है, जरा नजर घुमा के देखिए,
ये टेबल, वो दरवाजा, वो अलमीरा और वो बेड, ये सब क्या है? ये जंगल के काटे हुए पेड़ यहाँ पे लाश बने पड़े हैं और हम जंगल को ढूंढ रहे हैं। जब आरी से हजारों एकड़ एक साथ काट दिया जाता है तो हमारा एक पेड़ भी नहीं लगाया जाता है हमसे शहर में। यस पूर्णिमा जी, आप कुछ कह रही थी। कविता मुखर, मैं एक बात इसी मंच से मैं अपने लोगों से कुछ बात कहना चाह रही हूँ दर्शकों से कि ये सच है, आप कहेंगे जंगल हम कैसे लगाएं, हमारे बस की बात नहीं है और ऊपर से लॉकडाउन और चल रहा है तो हम तो घरों में बंद पड़े। तो मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि हम मैसेज ऑर्गेनाइजेशन और मैसेज शक्ति की तरफ से हर साल ये काम करते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए जो भी फल फ्रूट तो खा ही रहे ना हम सब लोग, तो हम सब लोग जो भी फल फ्रूट खाते हैं उसे एक डब्बे में उसके बीज इकट्ठे कर ले और उनको पानी से धोके सुखा के अपने घर के गमलों से आसपास से थोड़ी सी मिट्टी ले ले और हर बीज को एक मड बॉल बना ले, छोटा सा एक बॉल बनाए उसके बीज को रखे और बॉल को बंद कर दे और जहां कहीं जगह देखे जब देखे अभी इकट्ठे कर ले, कभी भी आप बाय द वे बाहर जाए जहां जगह देखे उन बॉल्स को लुढ़का दीजिए। ये एक बहुत ही आसान तरीका है, जैसे ही बारिश की पहली बूंदे गिरेंगी बीज उसमें है, मिट्टी उसमें है, थोड़ा सा खाद वाली भी होगी वो मिट्टी और बारिश की बूंदे उसको जैसे ही मिलेंगी वो धीरे धीरे करके जड़ पकड़ लेगी। मुझे मालूम है खड्डा खोद के वृक्ष लगाना एक डिफिकल्ट काम होता है, मगर बॉल को यूं सीधे रास्ते चलते जहां जगह दिखे वहां डाल देना बहुत आसान है। तो ये एक आसान तरीका है, अपना जंगल हम भी बना सकते, हमारी तो पृथ्वी है हमें ही रहना है। जी जी वंडरफुल आइडिया, मैं भी एक सुझाव देना चाहती हूँ। जैसे होता है कि हमने नया घर लिया और किरण दत्ता जी बोल रही है, हाँ जी जी हमने नया घर लिया, नया कुछ किया या बच्चों का जन्मदिन है तो उस दिन हम एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि आज से हमने 40 साल पहले जब हमारे बच्चे पैदा हुए थे तो हमने एक वृक्ष लगाया था, वो उदयपुर में आज भी फल फूल रहा है और उसके यहाँ कभी भी हम जाते हैं तो उसको देखते हैं। वाह, और दो वृक्ष लगे हुए हैं। और मैंने भी एक नया घर लिया था तो घर में अभी डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो तभी मैंने वहाँ एक वृक्ष लगा दिया था, वो आज भी फल फूल रहा है। तो ये छोटा सा एक सुझाव है कि कभी भी हम कहीं भी जाएं पार्क में, कहीं भी बड़े बड़े भी होते हैं पर एक छोटा सा आप पौधा अपने जन्मदिन पे लगा दीजिए और उसकी देखभाल करिए, वो वृक्ष बन जाएगा ऐसे धीरे धीरे प्रयास से। दोस्तों मैं आपको बता दूं हम लोग बहुत सीनियर लोग बैठे बैठे आप लोग तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं पर मैं मेरा एक छोटा सा सुझाव है। बिल्कुल आपका सुझाव बहुत बड़ा बड़ा भी हम लोग करते हैं पर ये छोटा सा है सुझाव। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे बीच में आपने नोटिस किया एक 14 साल की बच्ची बैठी है, आपने उदयपुर बोला तो मुझे याद आया कि शी इज फ्रॉम उदयपुर, उनका नाम है परिधि चौहान, वो एक ऑलराउंडर है, चाहे बास्केटबॉल हो बास्केटबॉल में उन्होंने स्टेट गेम्स खेले हुए हैं, चाहे वो एकेडमिकली शी इज अ ब्राइट स्टार and she is always in the newspaper for her arts and art and crafts, drawing and painting. Now she had written a poem for this competition of Team City Life and her poem was just unmute your mic and recite your poem, you can also talk what you want. Thank you, ma'am Kavita, for such a nice introduction. I would also like to thank Team City Life to give me such a wonderful opportunity. This is my very first time that I'm reciting a poem on such a big platform. So it means You're a welcome, lot. Vivek. You're welcome. One fine day, when I felt myself at ease, I found my way up to the stairs to my terrace indeed. Was it the breeze or was it just me that I felt lighter? And for a moment, it occurred to me, why not be a writer? Wow. I walked along at my beloved place with a pen between my fingers, ready to express my taste. The soft light of the sunset kissed my cheek as I saw its reddish appearance, thought as if it blushed at me. The pleasant breeze danced with my hair strands very well. All of it felt as if it was under a beautiful spell. I whirled around and spotted distinctly green, exquisite trees and leaves. I don't know why, but it gave me a sigh of relief. Wow. It was at dusk when I looked above.
The great deep blue sky always gives me a surge of wanderlust. Nearby, a short sapling sat planted. Although it was beautiful itself, but the fireflies made it look enchanted. Yes, the view was a bliss, but I had to go back to my world, which I didn't even start to miss. As I got down the stairs and as my thoughts started to disappear, I felt a whisper above my ears. There is always hope within despair. Thank you so much. Thank you, Paridhi. Such a wonderful poem. There is always a hope. And what I liked is your wonderful observation. You really cherish this mother nature. You have felt it so well. The sunbeam, yeah. The air, the breeze, the birds, everything. Wonderful. I clap for you, Paridhi. Go ahead and let be your future be very bright as a kid you are in your academy. Fine. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Next name I have is Renu Vyas ji from Bikaner. आपके दो काव्य संग्रह हैं, एक निबंध संग्रह है और आपको आप एक व्याख्याता हैं और आपको साहित्यिक योगदान हेतु विभिन्न मंचों से सम्मानित किया गया है. आप आकाशवाणी बीकानेर और जयपुर से अक्सर अपने काव्यों और रचनाओं का पाठ करती रहती हैं, कविताओं और रचनाओं का पाठ करती रहती हैं. तो मैं रेणुका व्यास जी, डॉक्टर रेणुका व्यास जी बीकानेर से आपको आमंत्रित करती हूँ. आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? मेरी आवाज आ रही है कविता जी? बिल्कुल एकदम क्लियर है. स्वागत है आपका मंच पे. जी जरूर. नमस्कार साथियों और धन्यवाद सिटी लाइव टीम जयपुर. मैं रेणुका और आज मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगी जो पर्यावरण के संबंध में है, जो ये बताएगा कि क्या क्या हमने खोया है और कैसे कैसे हम बचा सकते हैं, क्या क्या बचा सकते हैं. जीव गीत का शीर्षक है धरती पानी गीत बचा ले. जीवन की भगदड़ में खोई भोली भाली प्रीत बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले. जीवन की भगदड़ में खोई भोली भाली प्रीत बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले. गांव किनारे बहने वाली जी, गांव किनारे बहने वाली नदी सूख कर नाला हो गई, ताल तलैया हो गए गायब, यादें उनकी छाला हो गई और कल कल छल छल बहने वाला धरती का संगीत बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले. चिड़ियों संग बतियाने वाला बूढ़ा बरगद कहाँ गया वो, और परियों के किस्सों का रसिया नीम कसैला कहाँ गया वो. धरती की हरियल आशा की रंग बिरंगी रीत बचा लें, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा लें. सांसें उथली हवा विषैली मानव का जीवन संकट में, और पर्वत बादल अंबर विचलित धरती का होना संकट में, और प्रेम भाव से जुड़ निसर्ग से जीवन नामक मीत बचा लें, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले. ऊंचे ऊंचे घर महलों में हंसी खो गई जीवन खोया, और धन के अर्जन की चिंता में नजर खो गई मानव खोया. कंक्रीटों के इस जंगल में गगन चांद की दीठ बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी. बहुत सुंदर. घर का आंगन घर से बाहर, हमारे कुछ सोच में गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये सारा परिवर्तन है, ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है. तो घर का आंगन घर से बाहर और साझापन जीवन से बाहर. घर का आंगन घर से बाहर, साझापन जीवन से बाहर, और तोता मैना कोयल बुलबुल भौंरा भी यादों से बाहर. आने वाली पीढ़ी के हित जीवन के कुछ मीत बचा लें, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी की बचा लें. बहुत सुंदर. देने वाली मुट्ठी सिमटी और लत पाने की हो गई सुरसा,
और तृष्णा अपना रूप बदल कर प्रगति नाम का हो गई फरसा, कि देने वाली मुट्ठी सिमटी लत पाने की हो गई सुरसा, और तृष्णा अपना रूप बदल कर प्रगति नाम का हो गई फरसा, मानव मन की प्यास बुझा दे तृप्ति जल का शीत बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले, जीवन की भगदड़ में खोई भोली भाली प्रीत बचा ले, पर्वत बादल जंगल दरिया धरती पानी गीत बचा ले। वाह रेणुका जी, बहुत खूबसूरत गीत। मैं ये जानती हूँ कि शब्द अपनी जगह होते हैं और कविताएं शब्दों से बनती हैं, मगर कविता पाठ जो होता है वो भी कम नहीं होता है, और आपने बहुत सुंदर कविता पाठ की है। कविता जितनी गेयात्मक है उतने ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है। बात याद आती है कि कहता है खुद को वो सबसे बड़ा है, कहता है खुद को वो सबसे बड़ा है, सफलता की सीढ़ी कितनी चढ़ा है, पर आदमी की हकीकत ये बोले, पर आदमी की हकीकत ये बोले, जहां से चला था वहीं पे खड़ा है, जहां से चला था वहीं पे खड़ा है। आज वो आपके जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है, जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है। मुझे लगा था कि पूरी धरती अगर ग्रीनरी हट जाएगी ना, जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाते हैं एवरीथिंग इज कॉन्क्रीट, तो भी इंसान जी रहा है, लेकिन नहीं, प्रकृति अपना हस्तक्षेप रखती है। साइंस फिक्शन इज जस्ट अ मूवी। एनीवेज, परिधि चौहान ने सुना दिया है रेणुका व्यास जी हमारे बीच में। वंदना पांडे जी हैं फ्रॉम जयपुर ओनली, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और आपकी पहली पुस्तक है लोकमंगल और द्रौपदी। आप गद्य में पारंगत हैं, संस्कृत में पीएचडी और हिंदी और अंग्रेजी में आप एमए हैं। आप आज हमारे बीच में कुछ पर्यावरण पे गद्य सुनाने वाली हैं। तो वंदना पांडे जी, स्वागत है आपका। जी मुखर्जी, मैं अंग्रेजी में एमए नहीं हूँ, संस्कृत में एमए हूँ और हिंदी में हूँ। और संस्कृत में पीएचडी हैं आप? संस्कृत में पीएचडी हूँ। ठीक है जी। मैं सब लोगों की कविता सुनी, मैं कविता तो नहीं गद्य में एक आलेख सुना रही हूँ आप लोगों। जी स्वागत है आपका। जी, पर्यावरण का संरक्षण ही हमारा ध्येय होना चाहिए। पर्यावरण का क्षरण आज की ज्वलंत समस्या है, यह कोरोना की तरह वैश्विक समस्या है। वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का विनाश हो रहा है। भारत जैसे देश में जहां 135 करोड़ की आबादी निवास करती है, उसे शुद्ध हवा और पानी कैसे उपलब्ध हो, आज यह वैज्ञानिक, सरकार और समाज शास्त्रियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के सभी बड़े शहरों की हवा प्रदूषित है, देश की सभी नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई है। इन्हें प्रदूषित करने में मनुष्य की बहुत बड़ी भूमिका है, और ऐसा हमने जानबूझकर किया है। शहरों का गंदा पानी नदियों में गिराते हैं और फिर नदियों के पानी पीने का सपना पालते हैं। पवित्र नदियों के किनारे रहने वाले लोग पुरानी मूर्ति, कपड़े, फूलमाला, जानवरों को नहलाने का काम नदी में करते हैं। यह सब हमारी करतूत है, और फिर हम शुद्ध जल की कल्पना भी करते हैं। तीर्थों पर जाते समय हमारा भाव पर्यटक का होना चाहिए, लेकिन हम तीर्थ यात्री नहीं, पर्यटक की भांति विलासिता का सामान लेकर जाते हैं। हिमालय पर जाने वाले तीर्थयात्री कम, पर्यटक ज्यादा हैं। ऐसे लोगों ने प्लास्टिक और बोतलों से हिमालय की ऊपरी चोटी को भी प्रदूषित कर दिया है। शहरों में स्थापित फैक्ट्रियों ने वहां की हवा को प्रदूषित किया है। बेतहाशा बढ़ते वाहन ध्वनि और वायु प्रदूषण में मदद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां कई तरीके की होती हैं, कई में जहरीले रसायन जाते हैं, जिनसे निकलने वाला धुआं मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति के लिए भी हानिकारक है। भोपाल का गैस रिसाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई और हजारों विकलांग हो गए। मनुष्य ने प्रकृति से अपनी दूरी बनाई है और उसे केवल खिंचवाने की वस्तु समझता है। प्रकृति अपने मूल स्वरूप में बनी रहे और मनुष्य जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हो, इस पर हमने विचार करना बंद कर दिया है। कभी गांधी जी ने कहा था, प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, लालच की नहीं। उपभोक्तावादी संस्कृति में हम अधिकतम उपभोग की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रत्येक परिवार में कीमती लकड़ियों के फर्नीचर की मांग बढ़ी है। प्रत्येक परिवार जंगली जानवरों के विभिन्न अंगों के विलासितापूर्ण होड ने उसकी संख्या कम कर दी है। इस कारण जंगल कटते चले गए। जंगली जानवरों के विभिन्न अंगों के विलासितापूर्ण होड ने उनकी संख्या कम कर दी।
जंगल कटते जाने के कारण जानवर शहर में आने लगे। मनुष्य ने न्यायालय के दबाव में पेड़ काटना कम किया है, जबकि यह काम स्फूर्त होना चाहिए था। बड़े और पुराने पेड़ दुर्लभ होते जा रहे हैं। आज से 25-30 वर्ष पहले 500 वर्ष पुराने बरगद, पाकड़ और पीपल के पेड़ गांव और शहरों में दिख जाते थे, अब ऐसे पेड़ कहीं नहीं दिखते। गांव में लोग बांस और पतली डालियों की बनी चारपाई का उपभोग करते थे, परंतु बड़े पेड़ को नहीं काटते थे। पर्याप्त पेड़ होने पर भी वैभव और विलासिता का दिखाने के लिए लोग पलंग नहीं बनाते थे। पेड़ों को लगाने की प्रकृति ने भी बदलाव आया है। अब हम लोग सजावटी पेड़ अधिक लगाने लगे हैं, उनसे पर्यावरण शुद्ध नहीं होता। सड़कों के किनारे, बगीचों में तथा जहां भी जगह मिले बरगद, पीपल, पाकड़, नीम और आम का पेड़ लगाना चाहिए। इनके पेड़ विशाल होते हैं, यह सैकड़ों वर्षों तक तथा मनुष्य सहित अनेक जीव जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराते हैं। किसी उद्यान में यदि एक ही प्रकार का पेड़ कई किलोमीटर तक हो तो भी यह ठीक नहीं। इससे हरियाली तो रहेगी, लेकिन पशु पक्षियों, गिलहरी, मधुमक्खियों तथा अनेक कीट पतंगों को वर्ष भर भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए बगीचे या जंगल का प्रकार के पेड़ पौधों का समूह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मैं वृक्षों में अस्वत्थ हूँ। वृक्ष ऑक्सीजन तो देता है, उसका फल अनेक जीव जंतुओं का भरण पोषण करता है, उसकी मोटी डालियों के बीच में कोटर बनाने की अपार संभावना रहती है, उसके ऊपर पक्षी सहित अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय मिलता है। यही स्थिति पाकड़ और बरगद की है। देसी आम के वृक्ष समाप्त होते जा रहे हैं। सड़कों के किनारे वनों में देसी आम होना चाहिए, वह सुपाच्य होता था और पेड़ भी लंबे समय तक जिंदा रहते थे। पिछले 20-30 वर्षों में तालाबों की देश में संख्या घटी है। तालाब जल संरक्षण के बहुत बड़े स्रोत थे, उनके कारण भूजल ऊपर रहता था, उनके किनारे पेड़ होते थे, चिड़िया चहचहाती रहती थी। बड़े तालाबों के किनारे वर्ष भर मिट्टी गीली रहती थी। बहुत सी चिड़िया तालाब की गीली मिट्टी में रहती हैं, क्योंकि वहां बहुत प्रकार के कीड़े उत्पन्न होते हैं, यह उनका भोजन है। आज भी विदेशी पक्षी भरतपुर में जहाँ आते हैं, वहाँ प्राकृतिक रूप से बना हुआ बहुत लंबा चौड़ा तालाब है तथा अनेक प्रकार के पेड़ हैं। प्रकृति के साथ हमारा भावात्मक लगाव भी कम हुआ है। तुलसी, गुड़हल, कनेर, हरसिंगार तथा धतूरा जैसे फूल के पौधे कम जगह में भी हो जाते हैं। हम इन्हें भी घर के बाहर आंगन में नहीं लगाते। मनी प्लांट की जगह गिलोय लगाया जाना ज्यादा उपयोगी है। उनके चौड़े पत्ते देखने में सुंदर लगते हैं तथा वो औषधि के काम भी आता है। भारत के नाम शकुंतला के पुत्र भरत पर पड़ा। कालिदास ने लिखा है, पहले पौधों में जल डालती हैं, फिर स्वयं जल ग्रहण करती है। पौधों का जन्मदिन भी मनाती है। भरत की माँ तो स्वयं लगाए हुए पौधों को जन्मदिन भी मनाती है, और हम निरंतर पौधों को काटने में लगे हैं। काटने की जगह लगाने की परंपरा शुरू होनी चाहिए। मैं शाकुंतलम का श्लोक सुनाकर अपनी बात पूरी कर रही हूँ। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्व पीते सुया नादत्य प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहे नया पल्लवम आद्ये व कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत उत्सव श्रेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। बहुत खूब, आपने दो तीन बातें बहुत खूबसूरत बताई है कि एक ही प्रकार के अगर हम पेड़ लगाते जाते हैं तो वो जीव जंतुओं का सहारा नहीं बनते हैं, और जीव जंतु और कीड़े और चिड़ियों का भोजन प्राप्त होता रहे तो ही पर्यावरण का संतुलन पूरा बना रहता है। और दूसरी बात जो हमारे बीच में से उठ गई है वो भावनात्मक लगाव। वो समय था जब हम अपने पेड़ों को यादों में संजोए रहते थे, और जब गांव जाते थे, दादी माँ के या नानी यहाँ के जाते थे तो गले लगाते थे, वो हमारे घर का एक मेंबर हुआ करता था। पर्यावरण दिवस पे ये भावनात्मक लगाव होना, समझना, उसको महसूस करना कितना जरूरी है। शायद भावनात्मक लगाव जहां जहां होगा वो सब बचे रहेंगे। धन्यवाद वंदना पांडे जी, आपने बहुत सुंदर आलेख पढ़ा, यह भी एक आवश्यक हिस्सा है साहित्य का। हमारे बीच दो तीन नाम और रह गए हैं, और मैं महाराष्ट्र से मोहन सुरसार जी को इन्वाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ। आज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। मोहन जी, आप धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आप विदर्भ साहित्य संघ शाखा वसीम के उपाध्यक्ष हैं,
और आपने वसीम जिले का इतिहास नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुई है आपकी, आप पत्रकारिता में भी हैं, और आप आज हमें क्या सुनाने वाले हैं? ठीक है, सर्वप्रथम मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपका कि मुझे आपने सम्मिलित कर लिया। मेरी कविता का शीर्षक है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, हाँ आप सुन रहे हैं ना सभी? आवाज स्पष्ट है। हाँ, बोधि वृक्ष। खुरदुरी जीभ और कमतर कद का बुद्धि वृक्ष, तब मनुष्य के गीत गाता आता है तथागत का बोधि वृक्ष। द्वेष विद्वेष जलन मलिनता मेटता हुआ, लुम्बिनी वन से होता हुआ, जनमन और बहुजन के बीच से आता है तथागत का बोधि वृक्ष। कंटीले झाड़ झंकाड़ से, डोंगरी की तलहटी से, पहाड़ों की चित्रांकित शिल्पांकित गुफाओं से अंधकार भेदता, हिमालय की ऊंची सतह से, पत्तों की सरसराहट लेकर आता है तथागत का बोधि वृक्ष। तपकर सवर कर थेरी गाथाओं के स्वानुभवों से पाषाण में निर्झरता लेकर, पुरावशेषों के अर्थ से लंका जापान कंबोडिया से पड़तालता संपूर्ण जग, टेकड़ी टेकड़ी के उत्खनन से तेज दीप्त चंदन की सुरभि से आता है तथागत का बोधि वृक्ष। पाषाण हृदय के आर्द्र करता हुआ, मिलिंद के प्रश्न पर नागसेन के प्रज्वल उत्तर से, अशोक कनिष्क और हर्षवर्धन के जनकल्याणकारी प्रज्वल मन की राजशाही से, अंतस्फूर्त दीप्त हृदया सुजाता की खीर से, अखिल जग को ज्ञानधारा के प्राशन से, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय से, फाहियान हुएन संघ के भारत प्रवास से, सम्यक अध्ययन से आता है तथागत का बोधि वृक्ष। दुख के महाजाल से, तृष्णा की सहस्त्र जीभों से, व्याधि विलाप शोक मग्न आवेश थीरता हुआ शांत प्रवाह से, पशु पक्षियों को आश्रय देता हुआ ज्ञान वृक्ष की छा देता, अखंड मर्याद विश्व को स्नेह अंक में भर लेता हुआ, तब मनुष्य के गीत गाता आता है तथागत का बोधि वृक्ष। धन्यवाद जी। बहुत खूब मोहन जी, आपने बहुत ही सार गर्भित कविता रची है, सुनाई है। हर एक कण के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है, उस कहानी को देखने की अंतर्दृष्टि आप एक साहित्यकार के पास होती है, ये आपने यहाँ पर साबित किया। बहुत खूबसूरत, आपको बहुत बहुत साधुवाद इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत करने के लिए। हाँ कविता जी, मुझे आपने सम्मिलित किया एक ही मुलाकात में, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सब जो कवि लोग हैं उनसे मुलाकात करवाई थी मेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका निवेदन भी और सूत्र संचालन भी बहुत बढ़िया हो रहा है, सूत्र बहुत अच्छा आप बूंद रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से अभी आईजी हैं, और आईजी के अलावा भी वो जो पुलिस सेवा होती है, पुलिस सेवा में जो कड़कपन होता है और बात होती है, आप उससे अलग जाके मानवीय पक्ष भी देखते हैं, उनको बसाते हैं, उनको अपने जो चोर उचक्के या जो भी एंटी सोशल लोग हैं उनको आप वापस मुख्य धारा में जोड़ते हैं। आप हैं राजेंद्र गायकवाड़ जी छत्तीसगढ़ से, और आप खूब साहित्य की रचना भी कर रहे हैं, आपका स्वागत है मंच पर। और आज आप हमारे बीच क्या रख रहे हैं राजेंद्र जी, आपका माइक ऑफ है, अनम्यूट कीजिए जी। धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन और पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब कवियों ने बहुत शानदार कविताएं पढ़ी, उनको भी बहुत साधुवाद। क्योंकि मैं जेल अधीक्षक हूँ, आईजी नहीं हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो लोग मुझे एफआईआर लिखाने आ जाएंगे और मैं जेल में बंद कर दूंगा।
जेल अधीक्षक है जी जी। मैं रायपुर सेंट्रल जेल में जब 2016 में था तो वहां पर राखी के दिन जो बहनें कैदियों को राखी बांधने आती थी, उन कैदियों को मन में ये विचार आया कि हम अपनी बहन को गिफ्ट क्या दें, तो जेल में पैसा देने का चलन नहीं है जी। तो उन कैदियों को हमने 2500 कैदी थे, 2500 प्लांट्स पौधे बुलाया है और उन कैदियों ने अपने सभी बहनों को जो जेल में राखी बांधने आई थी ये वृक्ष उनको देकर वचन दिया कि ये भाई आपका जो वृक्ष है भाई है, मैं जेल में हूँ पर इसकी रक्षा करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो हम जितनी कविता पढ़ते हैं होना चाहिए करना चाहिए ये सारी बातें अलग है, लेकिन हकीकत में कौन क्या कर रहा है पर्सनल लाइफ में, अगर आप मेरा कैंपस देखेंगे तो पूरे कैंपस में बैडमिंटन चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है, सरगुजा को स्वर्गजा भी बोलते हैं जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा जिला है, तभी आप लोग आइए, जेल भी घुमाएंगे आपको, मेन पार्ट भी घुमाएंगे जी, हम जेल तो ये तो बहुत सारी बातें हैं, स्वागत है, बिना अपराध के जेल पधारिए। मैं एक छोटी सी कविता जो पर्यावरण से संबंधित है सुनाना चाहता हूँ। कहाँ खो गई मेरी आरजू की तितलियां, हसीन रंगीन गम से बेसुध इठलाती मडराती गुनगुनाती, कहाँ खो गई मेरी आरजू की तितलियां, बिखर गई खिजा में आने से तितलियां, जो साइकिल चेंज हुआ उसकी बात कर रहा हूँ, बिखर गई खिजा में आने से तितलियां, इस जीवन की अपवाद थी तितलियां, गमगीन क्षणों की मधुर याद थी तितलियां, एक बाग तो उजड़ गया खिजा के आने से, लॉकडाउन कोरोना, एक बाग तो उजड़ गया खिजा के आने से, जहां फूल पर रोज रोज मड़राती हैं तितलियां, और कहां खो गई मेरी आरजू की तितलियां। एक तो छोटी सी और कविता है, क्योंकि आप लोगों के कविताओं को सुन सुन के एक छोटी सी जो गौरैया होती चिड़िया जिसको हमारे तो लुप्तप्राय हो रही है उसको देख लिखने की कोशिश की है। आईने में रोज रोज एक मासूम सी चिड़िया सुबह सुबह मेरे जागने के पहले अपनी चोंच आईने की चोंच से मिलाती है, वही जानी पहचानी टक टक की आवाज रोज मुझे जगाती है, और मैं मुस्कुराते हुए चुपके से उन्हीं दी आंखों से एक अजनबी सा चेहरा अपने आईने में देखता हूँ, भ्रमित हो जाता हूँ, टक टक करती चिड़िया की मन स्थिति में रोज खुद को पाता हूँ, रोज खुद को पाता हूँ। धन्यवाद। होस्टिंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन तो एक सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है कि हम सिर्फ इसको नहीं सुन रहे होते, हम बहुत सारी दूसरी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। Exactly. और उसका खामियाजा ये होता है कि हम बहुत सारी चीजों को सुन नहीं पाते हैं। तो आपकी जो दो कविताएं थी, पहली कविता जो मैंने बहुत खूबसूरत सुनी और दूसरी जो गौरैया पे थी उसको थोड़ा सा आधा ही सुन पाई, क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आप आए हमारे मंच पर आए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे बीच में एक नाम रह गया है जो कि कानपुर से हमारे बीच है, सुषमा सिंह, डॉक्टर सुषमा सिंह। आपने जो हमारी जो प्रतियोगिता थी उसमें आपने कविता भी भेजी थी और कहानी भेजी थी और दोनों ही बहुत ही शानदार थी। आप कंसल्टेंट हैं जो रिश्तों को जोड़ते हैं और परिवार को बसाते हैं, और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और आप हास्य व्यंग भी बहुत अच्छा लिखती हैं। आपकी जो लघु कथाएं हैं वो नेटवर्क पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे धूम मचाती हैं, और एक तो लघु कथा इनकी 15,000 बार पढ़ी गई थी। तो मैं डॉक्टर सुषमा सिंह को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, और वे अपनी कौन सी रचना में हमारे बीच लेके आई है। सबसे खूबसूरत बात इनकी रचनाओं की होती है कि इनकी रचनाओं में आंचलिक भाषा का रस बह रहा होता है। तो आज सुषमा जी क्या सुना रही हैं आप जी? पहले तो एक बाल कविता सुनाऊंगी, फिर एक मैं आपको प्रकृति से जोड़ूंगी। ज्यादा बड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं, बस छोटी छोटी है, मैं ज्यादा बड़ी नहीं लिखती हूँ। बाल कविता है, सूखी धरती कहे पुकार अब तो वृक्ष लगाओ चार, सूखी धरती कहे पुकार अब तो वृक्ष लगाओ चार, अब तो हमको धानी कर दो नहीं बनो धरती पर बार, अब तो वृक्ष लगाओ चार, अब तो वृक्ष लगाओ चार,
जितना ऑक्सीजन लेते हो उतने ही तुम वृक्ष लगाओ, मेरे दिल में आग लगी है छांव बढ़ाकर उसे बुझाओ, कंक्रीट के जंगल का तुम अपना और करो विस्तार, कंक्रीट के जंगल का तुम अपना और करो विस्तार, अब तो वृक्ष लगाओ चार, सड़के तो बनवा दी कितनी पेड़ एक भी नहीं लगाया, बनवा दी कितनी फैक्ट्रियां उनका कचरा वहीं बहाया, बनवा दी कितनी फैक्ट्रियां उनका कचरा वहीं बहाया, इसीलिए होते बीमार अब तो वृक्ष लगाओ चार, इसीलिए होते हुए बीमार अब तो वृक्ष लगाओ चार, जितना मिला विरासत में है उतना आगे आप बढ़ाओ, जितना मिला विरासत में है उतना आगे आप बढ़ाओ, जितना दिया पिता ने तुमको उतना बच्चों को दे जाओ, थोड़ा शिष्टाचार निभाओ नहीं बढ़ाओ भ्रष्टाचार, थोड़ा शिष्टाचार निभाओ नहीं बढ़ाओ भ्रष्टाचार, अब तो वृक्ष लगाओ चार। मेरी दूसरी कविता है जी, मैंने इंसान को चातक से जोड़ा है। हाँ? चातक जो स्वाति की मतलब पूरे साल जल बरसता नहीं पीता, लेकिन स्वाति में ही वो पिएगा चाहे जितना प्यासा हो। तो अगर आपको लक्ष्य पाना है तो चातक बनिए, मैंने उसमें जोड़ा है कि देख रहा है आसमान को चातक हौले हौले, देख रहा है आसमान को चातक हौले हौले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मन मांडोले, असुनी भरणी कृतिका रोहिणी एक एक कर आए, तपे मृग सिरा जब जब आकर तन में आग लगाए, खेत बाग सब भीग रहे हैं, खेत बाग सब चीख रहे हैं पुरवैया ना डोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, अद्रा और पुनर्वस आए पूस और अश्लेषा, पर मेरी तो प्यास बुझे ना प्यासा रहूं हमेशा, पर मेरी तो प्यास बुझे ना प्यासा रहूं हमेशा, सावन की हरियाली में, सावन की हरियाली में धरती भी घूंघट खोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, देख रहा है आसमान को चातक होले होले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, मघा और पूर्वा फगुनी उतरा फगुनी आया, मघा और पूर्वा फगुनी उतरा फगुनी आया, हस्ता और चित्रा ने भी कितना जल बरसाया। 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें 14 साथी के इधर होते हैं 14 उधर होते हैं, तो मैं 14 नक्षत्रों का वर्णन किया है मैंने यहाँ कि अब तो स्वाति आजा जल्दी बैठा हूँ मुंह खोले, अब तो स्वाति आजा जल्दी बैठा हूँ मुंह खोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, जैसे ही काले बादल में पहला पानी आया, जैसे ही काले बादल में पहला पानी आया, स्वाति की बस एक बूंद से चातक है हर साया, स्वाति की बस एक बूंद से चातक है हर साया, अपनी प्यास बुझा करके फिर, अपनी प्यास बुझा करके फिर झूम झूम कर डोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले, जल्दी से एक बूंद पिला जा मेरा मनवा डोले। धन्यवाद। आप तो चातक बनके चार वृक्ष लगाने के लिए बोल रही थी और आपने चार चांद लगा दिया कार्यक्रम को।
हाँ अगर कहो तो एक कुंडलिया सुना दूं चार लाइन की। नहीं अभी हमारा तो थैंक यू। ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आरती सिंह जी फ्रॉम नागपुर, देखिए मैं अल्फाबेटिकली चल रही थी लेकिन क्योंकि हम बाद में आगे पीछे जुड़े तो सबसे पहला नाम ही मेरे साथ रह गया। आरती सिंह जी आप एकता उपनाम लगाती हैं, आप नागपुर से हैं, स्वतंत्र लेखन है, कविता कहानी और लघु कथा हाइकू सब लिखती हैं और थैंक गॉड कि मुझे आप दिख गई और मैंने आपका नाम अनाउंस कर दिया। तो बताइए। नमस्कार। मुझे लग रहा था शायद मेरा नंबर आएगा ही नहीं अब। देखिए मैं आपके सामने पर्यावरण से संबंधित। हेलो। हाँ आ रही आवाज आ रही आ रही। आप पढ़िए। मैं आप लोगों के सामने एक कविता पेश करने जा रही हूँ जो कि उसका शीर्षक है प्रकृति और स्त्री। जहाँ पर एक और पर्यावरण दिवस है और हम प्रकृति के ऊपर अपने अपनी रचनाएं पेश कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रकृति हमारे लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही स्त्री का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। और प्रकृति और स्त्री को मैं किस तरीके से संपूरक बताते हुए ये रचना आपके सामने रखती हूँ। जी स्वागत है। शीर्षक है प्रकृति और स्त्री। प्रकृति और स्त्री संपूरक होते हैं, क्या कभी जाना है इन्हें? इनकी मान को, आत्मसम्मान को क्या कभी पहचाना है? क्या इन्हें तुम प्यार करते हो? पर्वतों की उच्च श्रृंखलाओं को देखो, वादियों की चट्टानों को देखो, उन्हें महसूस करो, हवाओं से मिल इनकी सनसनाहट को सुनो। स्त्री की बलवती इच्छाएं बसी हैं, क्या इन्हें तुम प्यार करते हो? जंगली पत्तों को सुनो, ध्यान से देखो, पत्तियों की शिराओं में स्त्री के नसों का लहू महसूस करोगे। प्रकृति की खुशबू में स्त्री की आत्मा की महक पाओ, क्या इन्हें तुम प्यार करते हो? देखो प्रकृति बीच नदी है, नदी की अविरल धारा है, पत्थरों से मिलते बहते मधुर ध्वनि का गुंजन करते। स्त्री मन की मृदुलता मिलेगी, क्या इन्हें तुम प्यार करते हो? इन्हें सहो, सुंघो, इन्हें फैलने दो, जंगलों की पेड़ की तरह, पत्तियों और जड़ों की तरह, नदी के पत्थरों की तरह, विशाल दरख्तों की तरह, यही तो संभालती है सब कुछ, सहेजती है सब कुछ। हाँ हैरान मत हो, कोई अजूबा नहीं, जो स्त्री को जानता है उसके लिए कुछ भी अजब नहीं। हाँ वही स्त्री से प्यार करता है जो स्त्री और प्रकृति को समझता है। धन्यवाद। प्रकृति और स्त्री एक दूसरे के पूरक होते हुए इसको संभालते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने देखा कि हम सब जने ने जितने खूबसूरत, जितने सुंदर, जितने भावों से लबरेज तो है ही पर अर्थों में बहुत गहरी कविताएं जो हमने सुनाई हैं, हमारे विभिन्न भाव पक्षों के तार को झंकृत किया है, बहुत खूबसूरत रही है शाम। इस शाम में हमारे बीच में अगर सियाटल से कविता माथुर जुड़ी हैं तो कोलकाता से किरण दत्ता जी हैं, मीनाक्षी सांगनेरा जी हैं, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और मोहन जी फ्रॉम महाराष्ट्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी कविता जो आपने बोधि वृक्ष के, तथागत के बोधि वृक्ष के ऊपर आपने पढ़ी। हरिण त्यागी जी आप हमेशा की तरह बहुत रंग जमाते हैं। और नुपुर जैन आप दिल्ली और सुजानगढ़ के बीच में झूलते हुए भी आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमसे ज्वाइन किया और बहुत खूबसूरत रचना प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेणुका व्यास जी को और वंदना पांडे जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपने व्यस्त समय से थोड़ा सा नहीं इतना सारा समय निकाला, हमने आपका बहुत सारा समय लिया। आरती सिंह जी आपको मैं भूल तो गई थी लेकिन आप बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको वाइंड अप किया है कार्यक्रम को, पूरा अच्छे से जो छूट गया था जो पक्ष उस पक्ष को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर बजरंग सोनी जी से एक कविता सुनना ये हमारे ऊपर जुल्म है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन इस जुल्म का निराकरण किया जाएगा, आप
मानिए इस उनका निराकरण किया जाएगा। कविता माथुर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से मैं अनु सुकानी जी को भूल रही हूँ क्या, पूर्णिमा पॉल जी को भूल रही हूँ क्या? थैंक यू सो मच निरुपमा, धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और सबसे छोटी सबसे प्यारी बच्ची परिधि चौहान, आप हमारी वो सितारा हो जो भविष्य में साहित्य को संभाल सकते हैं। आप बहुत कुछ संभालने वाली हैं, कविता और कलम हमेशा आपके साथ रहे। नुपुर मोहन जी, रेणुका जी, सुषमा जी और एवरीबडी ओवर हियर, सॉरी इफ आई फॉरगेट एनी नेम, हालांकि मैंने बहुत सारी गलतियां की है बीच बीच में, आशा है आप मुझे माफ करेंगे। और टीम सिटी लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर जो कॉज होता है उस पर बहुत मेहनत करते हैं और उसके पर ये जो प्रतियोगिता चलाई उसमें इतने सारे एंट्रीज आई, वो एंट्रीज हमको बताती हैं कि दिल संवेदनाएं जो हम सोच रहे हैं कि मर गई हैं, नहीं नहीं मरी हैं, सब हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है। हम हमेशा इस विषय में सोचते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। राह दिखाने वाले अगर कलमकार हो आप जैसे मार्गदर्शक हो तो बहुत ही सुंदर राह निकलेगी और हम इस महामारी से भी, कोरोना महामारी से भी बाहर निकलेंगे, हमें ये आशा है। मैं इस कार्यक्रम का वाइंड अप करते हुए आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय, बाय एवरीवन। To sharing your thoughts.